हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। तो स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं टू बी फ्यूचर। हम लोगों ने टू बी प्रेजेंट, टू बी पास्ट पढ़ चुके हैं और उसकी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली है। आज हम टू बी फ्यूचर पढ़ेंगे, जो कि यह भविष्य काल में होगा। सिंपल टू बी फ्यूचर वाला वर्ब, बी वर्ब वाले सेंटेंसेस में। सो सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहचान है होगा, होगी, होंगे। क्या है इसकी पहचान? होगा, होगी, होंगे, इसकी पहचान है। तो सेंटेंस बिल्कुल आसान है, आप सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो आप सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, जिस प्रकार टू बी वर्ब की सीरीज चल रही है और यह लास्ट रहेगा टू बी वर्ब का, उसके बाद हम टू हैव स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें टू बी फ्यूचर पढ़ना है। तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपका फोकस किस पर होना चाहिए? बोर्ड पर होना चाहिए। तो पहचान है होगा, होगी, होंगे। तो अगर हम सेंटेंस उदाहरण के तौर पर ले लें, एग्जांपल के तौर पर ले लें, तो लिख सकते हैं मैं ईमानदार होगा, वह खुश होगी, तुम अमीर होंगी, सब्जी ताजी होगी। ओके, सो मैंने चार सेंटेंसेस लिए हैं, आप और भी ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तो हम क्या बोलेंगे? मैं ईमानदार होगा, वह खुश होगी, तुम अमीर होगे, सब्जी ताजी होगी। एक किसी का नाम ले लो, सचिन खिलाड़ी होगा, सचिन खिलाड़ी होगा। ओके, सो आज हम टू बी वर्ब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हम जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है जो हम बोलते हैं, वो हम यूज़ करेंगे विल बी और शैल बी का यूज़ करेंगे। ओके, इतना क्लियर है? आई और बी के साथ किसका यूज़ करते हैं? शैल बी, और बाकी के साथ, चाहे कोई भी क्रिया हो उसके साथ हम विल बी का यूज़ करेंगे। सो एक बार और मैं बता दूं कि आई और वी जहाँ हो वह हम शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी के साथ क्या यूज़ करना है? विल बी का यूज़ करना है। इतना क्लियर है? गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब हम स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना है, बस आप पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाना आ जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो राइट पे से लिखते हैं अपन। तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, ओके, प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, सो सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। ऑब्लिक जो मैं हर बार की तरह बता, ऑब्लिक है जो ऑप्शन में आएगा, कभी या विल आएगा या शैल आएगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसको मैं रेड ब्लू पेन से रख रहा हूँ, नॉट, ओके, प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ओके,
अब हम इंटरोगेटिव अगर हम बनाएं कैसे बनेंगे, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे हम, बी, ओके, प्लस नाउन एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है ना आपको? इंटरोगेटिव नेगेटिव बिल्कुल ध्यान से देखना, रेड और ब्लू का यूज कर रहे हैं। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट कहाँ लगाना है, यहाँ, और बीच में क्या लिखना है, बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। नाउन एन का साइन है, ई एडजेक्टिव का साइन है। जब आप इंट्रोडक्शन क्लास देखोगे अगर पहली बार होगी तो आपको समझ में आएगा, ओके। इसके बाद हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड को शॉर्ट फॉर्म लगते हैं क्यू डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक शैल, ओके, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल ऑब्लिक, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। अगर आपको डाउट हो तो आप वीडियो रिपीट भी कर सकते हैं। देख मैं स्ट्रक्चर क्लियर कर दूं, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, याद रखना हमेशा बीच में आएगा नॉट, नेगेटिव में विल या ऑब्लिक शैल के बीच में नॉट आएगा, ओके, नाउन एडजेक्टिव। आई होप समझ गए होंगे, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ओके, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, उसके बाद बी लगाना, फिर नाउन एडजेक्टिव, ओके, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव लगा देना आपको, ओके। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट वही है बिल्कुल, इसके बाद नॉट सब्जेक्ट के बाद मतलब बी प्लस नाउन एडजेक्टिव। अगर हम क्वेश्चन वर्ड में अगर हम इतना हटा दें, इतना, ओके, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड सिर्फ आगे आ जाता है, ओके। सो आई होप आप अच्छी तरह की इसे समझ गए होंगे, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको कौन सा सेंटेंस लेना है, कोई भी ले सकते हैं, मैं ये लेता हूँ, मेरा फेवरेट है, मैं ईमानदार होगा। कैसे बनाएंगे, मैं ईमानदार होगा, इट इज़ वेरी इजी। आई, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है शैल बी, याद रखो ना, शैल नहीं लगाना, कि शैल के साथ बी लगाना, बी फॉर बॉल वाला। आई शैल बी ऑनेस्ट, ओके। नेगेटिव बनाओ, मैं ईमानदार नहीं होगा, कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से बनाना है। आई शैल, शैल के बाद लगाना है नॉट, आई शैल नॉट बी ऑनेस्ट, ओके। ध्यान से बिल्कुल शैल और बी, इसके बीच में नॉट आएगा, ओके, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर ये गलती की है जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो इसी प्रकार मैंने भी गलती की थी, या मैं गलती किया करता था कि मैं डायरेक्ट शैल के बाद, शैल बी के बाद नॉट या विल बी के बाद नॉट का यूज़ करता था, लेकिन फिर मुझे सर ने समझाया कि इसमें को बीच में आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने साइज करके बता रहा हूँ कि बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं और मैं लगभग एक डेढ़ साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, ओके। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, क्या मैं ईमानदार नहीं होगा,
क्या मैं ईमानदार नहीं होगा? कैसे बनाएंगे? शैल आई बी ऑनेस्ट, ओके। अब क्या आएगा? मैं ईमानदार, क्या मैं ईमानदार नहीं होऊंगा? बनाओ, क्या मैं ईमानदार नहीं होऊंगा? ओके, आपको बनाना है। ये अपन क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, साइन क्या है, भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। तो क्या है? शैल आई, शैल आई के बाद ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। शैल आई बी नॉट, सॉरी, शैल आई बी ऑनेस्ट, ओके, क्लियर है ना? क्या मैं ईमानदार नहीं होगा किसके बाद लगाना है? स्ट्रक्चर देख लो एक बार, मैं क्लियर कर दूं। बिल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई के बाद मैंने क्या लगाया? नॉट लगाया, उसके बाद बी नाउन या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। तो ईमानदार क्या है? चलो बताना बी कमेंट में ईमानदार क्या है। अब बनाओ, मैं ईमानदार कब, क्यों, कैसे, किस जगह, किस समय, किसकी तरह ईमानदार होंगे, कुछ भी बना सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अपन कुछ वर्ड अपन याद रखते हैं। मैं ईमानदार, मैं ईमानदार, मैं ईमानदार कब होगा? ज़्यादातर मैं कभी का यूज़ करता हूँ। तो क्या आएगा? कब की मीनिंग क्या है? When shall I be honest? ओके, अब हम बनाएंगे क्या? अब हम बनाएंगे मैं ईमानदार कब नहीं होऊंगा। मैं ईमानदार कब नहीं होगा, ओके, कैसे बनाएंगे? When shall I, I के बाद not be honest, है ना? बिल्कुल आसान, बिल्कुल easy, मैंने बहुत easy तरीके से आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें थोड़ा सा, मैं कुछ अलग बताता हूँ। तो अगर मैं स्ट्रक्चर में इतना गायब कर दूँ, ये भूल जाओ क्वेश्चन वर्ड, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर इट इज़ सेम, ये क्या है? सेम है। अगर मैं यहाँ यहाँ हटा दूँ तो ये भी सेम है। मतलब क्वेश्चन वर्ड जो होता है बिल्कुल आसान होता है बनाने, कुछ लोगों को दिक्कत होती है क्वेश्चन वर्ड मैं बनाऊँ कैसे, या फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंसेस को बनाना आखिर कैसे है, कैसे इसकी जो पहचान है उसकी पहचान को सर्च करना है, कैसे सेंटेंस बनाने हैं, क्या नियम है, क्या स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार हम सेंटेंस को रिपीट करते हैं, आप भी रिपीट कीजिए। मैं ईमानदार होगा, क्या बनाएंगे हम? आई शैल बी हॉनेस्ट, ओके। मैं ईमानदार नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी हॉनेस्ट। क्या मैं ईमानदार नहीं होऊंगा, शैल आई बी हॉनेस्ट। सॉरी, यहाँ गलती हो गई, ओके, सॉरी। क्या मैं ईमानदार होगा, क्या बनाएंगे? Shall I be honest? क्या मैं ईमानदार नहीं होऊंगा? Shall I not be honest? मैं ईमानदार कब होगा? When shall I be honest? Okay? मैं ईमानदार कब नहीं होऊंगा? When shall I not be honest? बिल्कुल आसान है, आप भी आसानी से sentences को बना सकते हैं, sentences की practice कर सकते हैं, और आप भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो, आपके वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला जो बेल आइकन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ
ऑल पर क्लिक कर देना, किस पे करना है ऑल, तो जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी आपके फ़ोन पर वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी और आप तुरंत वीडियो देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप जो वीडियोस है मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखना स्टार्टिंग से, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कौन कौन सी गाइडलाइन दी है, आपको क्या करना है, कैसे रिकॉर्डिंग भेजनी है, कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है। हाँ, ग्रुप से ध्यान आ गया, ग्रुप भी है, मैं हर वीडियो बताता हूँ। ग्रुप का नाम है ECLE। ये कौन सा ग्रुप है? टेलीग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है ECLE, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करें। चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको ज्वाइन करें और उसमें जो भी मैं बताता हूँ आपको कि आपको उस पर वीडियो भी बनानी है या उसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है, सेंटेंस बना कर उसकी फ़ोटो भी भेजनी है, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, तो आप उस पर कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करो तो इंग्लिश आपको आने लगेगी, आपको इंग्लिश की हैबिट बन जाएगी। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और यह वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें जो भी अंग्रेजी सीखना चाहता है। सो मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।